हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमेनिया पे। तो आज का अपडेट हैकर अर्थ की तरफ से आया हुआ है। जैसा हम सभी जानते हैं, हैकर अर्थ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग कॉम्पिटेटिव कोडिंग कर सकते हो। तो आज का अपडेट हैकर अर्थ की तरफ से आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग हैकर अर्थ के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टाइपेंड आप लोगों को कितना मिलने वाला है, और ये जो इंटर्नशिप है ये कितने मंथ की है, और ये जॉब लोकेशन या फिर इंटर्नशिप लोकेशन कहाँ होने वाला है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हैकर अर्थ की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन पे है। ये नोटिफिकेशन फ्रंट एंड डेवलपर के लिए है, क्योंकि मेनली रिएक्ट जेएस पे ये काम होने वाला है। साथ ही साथ इसमें आप लोगों के जो जॉब लोकेशन होंगे वो बैंगलोर होने वाले हैं, और ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये 6 मंथ का होगा। साथ ही साथ इन 6 मंथ आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे डेवलप न्यू यूजर फेसिंग फीचर्स, इंश्योर द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ यूआई और यूएक्स डिजाइन, ये सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। साथ ही साथ आपके क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यू हैव मास्टरी इन डोम मैनिपुलेशन एंड अंडरस्टैंड कंपोनेंट सीटीए, यू आर लुकिंग फॉर सिग्निफिकेंट हैंड ऑन एक्सपर्टीज इन ES6, और भी जो भी रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनोमियस रिक्वेस्ट हैंडलिंग, इन सभी जो भी आप लोगों के स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए फॉर दिस जॉब, आप लोग यहाँ पे डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप लोगों को स्टाइपेंड काफी अच्छा मिल रहा है, जो कि 40,000 है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस यदि इंटर्नशिप में काफी अच्छा रहता है तो आप लोगों को फुल टाइम परमानेंट जॉब भी दिया जाएगा, जिसका पे पैकेज अभी क्लियर नहीं किया गया है, वो आपके इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जॉब लोकेशन आप लोगों को बैंगलोर मिलने वाला है, तो ये बात पहले क्लियर कर दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोगों के पास अगर ये स्किल्स हैं तो आप एलिजिबल हो। मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या, आपका डोमेन क्या, आपने इंजीनियरिंग की है या नहीं है, ये भी मैटर नहीं करता। यदि आप इन सभी स्किल्स के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि मतलब फॉर्म फिल कैसे करेंगे। फॉर्म फिल करना काफी आसान है, सिंपली आप लोगों को यहाँ अप्लाई दिख रहा होगा अपना लिंक, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा फ्रंट एंड का, तो जिससे आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अप्लाई करने से पहले हैकर अर्थ की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, फ्रंट एंड साथ ही साथ बैक एंड का भी। तो बैक एंड का भी सेम है आप लोगों के लिए, यहाँ पे जॉब लोकेशन और जॉब स्टाइपेंड ये दोनों सेम होने वाला है। इंटर्नशिप 6 मंथ के होने वाली है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ स्किल्स रिक्वायर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे गुड इन पाइथन विद नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 पाइथन वेब फ्रेम एंड प्रीफर्ड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन एंड फुल प्रोडक्ट लाइफ साइकल्स, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑन अ लिनक्स सिस्टम, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्वर साइड MVC फ्रेमवर्क। तो ये सब यदि आप लोग पाइथन में काफी अच्छे हो तो बैकएंड के लिए भी यहाँ पे ऑफलाइन कैंपस ड्राइव हैकर अर्थ की तरफ से आ चुका है। इसमें भी स्टाइपेंड आप लोगों को 40K ही मिलेगा और आपका जॉब लोकेशन बैंगलोर ही होगा। और यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पढ़ सकते हो, स्किल्स रिक्वायर्ड यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसे कॉपी करके इस पेज में आके अच्छे से पढ़ सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप लोग यहाँ के सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी फ्रंट एंड की तरह कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और यदि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो यह इंटर्नशिप प्रोग्राम के आप हकदार बन जाओगे। इसे भी अप्लाई करना काफी सिंपल है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड है इसे मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई पे क्लिक करोगे एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को आपके सामने ओपन हो जाएगा। इससे सिंपली आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और यहाँ पे आप लोगों को अपना रिज्यूमे एंटर करना है। इसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आप कौन से ईयर में ग्रेजुएट होने वाले हो। उसके बाद है डू यू हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस विद रिएक्ट जेएस। यदि फ्रंट एंड की बात करें तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस में आप लोगों को नॉलेज है या नहीं है, तो यहाँ आप लोगों को कुछ यस और नो में आंसर देना है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 2020 और 2021 के लिए है। एंड आर यू एबल टू
कमिट टू 6 महीने इंटेंसिव स्टार्टिंग दिसंबर 2020। यहाँ पे भी आप लोगों को येस और नो करके आंसर देना, और लास्टली आप लोगों को यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है तो आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं बैकएंड के लिए। बैकएंड पाइथन या फिर डायगोनो के लिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई के लिए तरीका और भी है, यदि आपका इंडिट पे अकाउंट है तो आप लोग डेट इंडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सेम फॉर्मेट मिलने वाला है आप लोगों को। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और रिज्यूमे आप लोगों को अपलोड करना है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन सेम है वहां पे। यहाँ पे एक अदर पॉइंट है, ऑन स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ वुड यू रेट योर स्किल इन पाइथन, आप लोगों को खुद को रेट करना है कि आप लोग कितने पानी में हो, कितना आप लोग जानते हैं, और वेन आर यू अवेलेबल टू स्टार्ट दिस इंटर्नशिप, आप लोगों को ये यहाँ पे फिल करना है कि आप लोग कब से स्टार्ट करोगे इंटर्नशिप के लिए। तो सिंपली आप लोगों को सबमिट बटन हिट करना है तो आप लोग यहाँ से सीधा रजिस्टर कर पाओगे फॉर दिस जॉब। मैं फिर से बता दूं, स्टाइपेंड 40K होने वाला है, ड्यूरेशन 6 मंथ है और इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो इस तरह से मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओ। और यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस तरह के रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ इस तरह के वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।